अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो शादियों में पालक चिकन और तिल के क्रिस्पी फिंगर मिलते हैं जो शादियों में बड़े चाव से खाए जाते हैं वो हम आपको बताना सिखाएंगे बहुत ही आसान और एकदम कम सामान के साथ। और देखिए इसमें पालक डालते हैं और तिल डालते हैं, दोनों भी आयरन के भरपूर होते हैं और ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए मैंने देखिए आधा किलो चिकन लिया है और उसको वॉश करके इस तरह से स्ट्रिप काटी है मैंने काट के देखिए इस तरीके से स्ट्रिप काट के रखी है। सारी स्ट्रिप को इसी तरह से काट लें, आधा किलो चिकन की स्ट्रिप मैंने लिया था और इसको वॉश करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस चिकन में ये आधा नींबू का रस मिला देंगे और जो मसाले लगेंगे वो आपको बता रही हूँ। इसमें जो मसाले लगते हैं, ये एक बंडल पालक को मैंने चॉप करके रखा है, अच्छी तरह फाइनली चॉप करें, डंठल ना लें सिर्फ पत्ते लें। और एक अंडा लगेगा, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, एक चम्मच भुना जीरा पाउडर है, एक चम्मच चाट मसाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर है और एक से डेढ़ चम्मच है ना कुटी हुई काली मिर्च है और नमक है। और साथ में मिलाने के लिए, बाइंडिंग के लिए दो चम्मच कॉर्नफ्लोर है, दो चम्मच चावल का आटा है और दो चम्मच मैदा है। अगर आप इसमें से किसी को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, दो में भी बाइंडिंग हो जाती है। और ग्रीन फूड कलर हम यूज़ करेंगे और अंडा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पालक में ये मसाले मिला लेंगे। और इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसमें ये मिला लेंगे, चिकन मिला लेंगे। चिकन मिला के सारे बाइंडिंग एजेंट को मिला लेंगे हम। और ये फूड कलर मिला लेंगे थोड़ा और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें तिल भी शामिल कर लेंगे, थोड़ी तिल अभी मिला लें, थोड़ी बाद में भी मिला सकते हैं। और हम इसे अच्छी तरह से खूब मिला लेंगे। अंडा भी शामिल कर लेंगे तो अंडे से लिक्विड अच्छा हो जाएगा, मिक्सिंग करने में आसानी हो जाएगी। अंडे से स्टिकी नहीं होता, एकदम अलग अलग फ्राई होता है, स्टिक नहीं होता एक दूसरे से। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें। अब हम मिक्स करके इसे आधा घंटा मैरिनेट करेंगे ताकि पत्ते, जो पालक के पत्ते हैं, थोड़े नरम हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर आपको फ्राई करके हम बताते हैं। देखिए अब पत्ते भी मिक्स हो गए हैं और कॉर्नफ्लोर और सब मिक्सचर जो है सब मिक्स हो गया है अंडे के साथ में और एकदम अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है, तेल जरा एकदम अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर हम आपको फ्राई करके बता रहे हैं। ऐसे एक एक पीस उठाएंगे और इसे गरम तेल में डालेंगे। अभी थोड़ा तेल बाकी है फिर आपको बताते हैं। अब तेल गरम हो गया, अब हम एक एक करके तेल में डालेंगे। डिस्टेंस जरूरी है, डिस्टेंस इसमें रखें, आज थोड़ी स्लो कर दें नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा इसका।
इसी तरह हम आपको फ्राई करके बता रहे हैं, अभी उलट पलट के बताते हैं। अभी इसमें स्पेस है तो हम और भी डाल देते हैं। देखिए इस तरह से फ्राई करेंगे, जब एकदम क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरे हो जाए, तो फिर हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब ये पक गए हैं, अब आपको निकाल कर बताती हूँ। अब हम सेकेंड ड्रिप वाला भी हम निकालेंगे, ये क्रिस्पी हो गया है। इसी तरह हम सब फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे। अब हमारा ये क्रिस्पी चिकन फिंगर सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डालना ना भूलें। शुक्रिया।